भाई साहब, मैं इनके पीछे 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 क्या पता किधर आ गया। अरे भाई, मुझे किधर को जाना है यार। सो है गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द न्यू एपिसोड। और कैसे आप लोग? आई होप कि आप लोग सब ठीक होंगे और सभी मौज ले रहे होंगे। सो आई थिंक भयंकर ही क्राउड हो रखा है गाइस। अभी ना मॉर्निंग में आपको बता दूं कि मैं आया था ऐसे खेत पे एक्सरसाइज, मतलब कुएं पे, कुएं खेत ही बोलते हैं अपने यहाँ तो। सो आई अभी आया था मैं खेत में एक्सरसाइज वगैरह करने के लिए। सो आई थिंक कुछ ये सीन हो रखा था कि भयंकर ही फोग हो रखा था सभी तरफ। और ये फोग ना इस तरह से हो रखा कि पूरे कपड़े मतलब ऊपर ऊपर से गीले हो चुके हैं। और आई थिंक मैं बता दूं कि यहाँ का क्राउड भयंकर ही सीन हो रखे। अभी सनराइज ना हुआ भी नहीं है। सो मैंने फिर आग जलाई और भयंकर ही हो रखा है सीन गाइस। बताता हूँ मैं आपको, फोग जमा हो रखा है गाइस सभी तरफ, देख रहे हो, एक एक से एक खेत के ऊपर। आई थिंक फिर आग जलाई मैंने एंड अब थोड़ी देर यहाँ पे बैठते हैं और उसके बाद एक्सरसाइज चालू करते हैं यार। देखते हैं क्या सीन है आगे का, क्या नहीं है। आई थिंक भयंकर ही मतलब हाथ देख रहे हो, लाल लाल हाथ, मतलब लाल, पूरे लाल हाथ हो चुके हैं ठंड के मारे। जी, वी आर चेक द साउंड गाइस। बैग बुक सब पैक करके अब निकल चुके हैं मामा जी के वहाँ पे। सो आई थिंक मैंने सोचा था कि व्लॉग थोड़ा शाम को शूट करते हैं। हर बार दिन में व्लॉग शूट करते हैं तो आई थिंक मज़ा नहीं आता है। तो व्लॉग थोड़ा नाइट में स्टार्ट हो रहा है और अभी टाइम हो चुका है, मान लो कि 6:30 के समथिंग। व्यू देख रहे हो, अंधेरा होने वाला, मतलब भयंकर कर दिया। देखो सीन कुछ ऐसा है कि आई थिंक गाइस मैं, ओ भाई, मैं इसको बंद करने के चक्कर में सोच रहा हूँ बंद क्यों नहीं हो रही है। सो आई थिंक मैं बता दूँ आपको कि क्या बताऊँ, चलो आगे मिलते हैं यार, ब्लॉग ही नहीं बन रहा सही से गाइस। इतना सटिया के आ गया, अभी दाई को ले रहा बाइक, अभी बाइक को ले रहा। देखो गाइस, हमारी कोई बकचोदी करने से पहले 100 बार सोच लिया करो। तुम्हारा भाई लोग यार, तुम्हारा भाई को सपोर्ट करो, बकचोदी क्यों करते हो? एक बंदा आया, मैंने उससे रास्ता पूछा। हाँ भाई, देखो एक और मैं आपको एक बात और क्लियर कर दूं कि भाई लोग, आप मैसेज करते हो इंस्टा पे, कोई दिक्कत नहीं है, आपके हर बंदे का मैसेज का रिप्लाई देता रहता हूँ मैं। बट आई थिंक कि मैं भी यार दिन भर राइड वगैरह करता हूँ तो मैसेज का रिप्लाई नहीं दे पाता हूँ, उसके लिए सॉरी। और आई थिंक तुम्हारा भाई का चैनल ना मोनेटाइजेशन ऑन होने वाला है, मतलब 3 स्टेप वेरिफिकेशन हो चुकी है, लास्ट स्टेप बची है। सो वो भी मोनेटाइजेशन होने वाली है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर द ऑल माई हार्ट एंड आप लोग सब मेरा दिल हो यार। तो देख रहा हूँ, ऑफ रोडिंग कर रहा हूँ यार। देखो यार, मत कर नीचे 6:30 लाइट, मैं भी नहीं करूँ भाई, जो मेरे अड़ता है ना मैं उस 6:30 का टच कर देता हूँ। क्यों क्यों भाई, सही है ना? अगर कार वाला ना मेरे सामने डिप्पर दे के बंद नहीं करेगा, मैं अगर उसको डिप्पर दूंगा, अगर मुझे डिप्पर देने की जरूरत ही नहीं है पहली बात तो है, क्योंकि मेरी अपनी त्रिशूल में ही इतना पावर है कि सामने वाले सब अंधे हो जाते हैं और अपने को नज़र आ जाता है। तो आई थिंक मैं बता दूं कि बहुत सारे होते हैं ना जो टिप्पर मारते हैं और मैं जैसे लाइट बंद कर दूं और मादर चौथ हो ना, साढ़े सब के सब फुल लाइट कर देते हैं, फिर मैं अंधे हो जाऊँ। इससे अच्छा साढ़ा बंद करो ही मत, सही है ना? तो ये चेक करिए कितना मस्त लग रहा है सीन। वाह क्या सीन है, साड़ा कुछ गिरा है यार, मुझे लगा है कुछ ट्रैक्टर से गिरा है, कंकड़ वंकड़ पट्टड़ मारो, कुछ भी मान लो, मतलब XYZ। आई थिंक अच्छा लगता है यार व्लॉग बनाते टाइम आपके बात करने में। ये मेरा ना पूरा मोटिवेशन जो था पूरा 0 पॉइंट पे चला गया था, कसम से बता रहा हूँ यार।
क्या ही ब्लॉग बनाऊँ क्या ही ब्लॉग बनाऊँ, फिर पता चला यार मेहनत करूँगा तो ही आप लोग सपोर्ट करोगे ना, ऐसा तो ही नहीं कि हेरे गेरे को उठा के सपोर्ट करने लग जाओगे, राइट नो? सही बात है कि नहीं गाइस? कमेंट सेक्शन में कमेंट। लेट मी टेल यू गाइस कि फाइनली पहुंच चुके हैं कुचड़ोत के लगभग एंड रोड पूरा जाम है, तो इंट्रो बाकी है, इंट्रोडक्शन देते हैं आपको, क्या है लौंडे क्या नहीं है, है ना? सही है। सो बकचोदी अपनी चालू रही है क्योंकि रास्ता देखो पूरा बेकार है, तो मैं बोलूँगा नहीं तो आपको लगेगा कि यार क्या यार बोलता ही नहीं है लौंडा। देखो रास्ते में कोई नज़र आ रहा आपको? कोई नहीं आ रहा। और पीछे का लोकेशन बताओ, कोई नज़र आ रहा आपको? कोई नहीं आ रहा। मैं इतने में गिर नहीं जाता पीछे। हाँ, दो चार बकरियाँ मिल जाती है रास्ते में, बस उससे अपना टाइम पास हो जाता है। बकरी आ गई थी और आई थिंक हेलमेट पहनने में लगे थे नहीं है भाई, डंपर वाले को लाइट बंद कर देते यार अच्छा रहेगा। देखो उसने साइड भी दे दी है, सही है ना? मालूम है तेरे बाप को, मत सिखा चल। उसने लाइट चालू नहीं कर रखी थी, मैंने लाइट बंद कर दी तो उसने ना साइड दे दी, ये सही है ना भाई? इसे बोलते हैं भाईचारा, कसम से इसे भाईचारा ही बोलते हैं। सो देख रहे हो अपना भाईचारा ऑन द टॉप, लड़कियां तो आती जाती रहती है, सही है ना? वाह देख रहे हो बकरियां, वाह क्या सीन है भाई, नाक से गुल्फी जमने लगी, ठंड बजने लगी यार, कसम से बता रहा हूँ यार। लिटरली मैं तुम्हें बता दूँ कि ऐसा कुछ सीन था ही नहीं ठंडे जैसा, पर अब क्या करें बजने लगी तो सीन ही कुछ। और मैं सफ़र के लिए निकलता हूँ ना तब तो मुंह में चबाने के लिए तो सुपारी वगैरह ले लेता हूँ। तू समझा? हाँ नहीं तू समझा नहीं, साड़ा कोई मीम जोड़ना दिए हो वरना तुम्हारे तो खाल बांध दूँगा भगवान कसम, बता रहा हूँ लिख के बता रहा हूँ। धूल उड़ उड़ के मुंह पे लग रही है। और मैं देखो माइक क्या क्या ट्राई करूँ, सही लिटरली बताऊँ मैं कि माइक क्यों ट्राई करूँ, मैं ये बताऊँ। बहुत सारे बंदे बोलते आवाज़ आ रही है, और मैंने एक दो बार बोया का जो माइक है ना वो भयंकर वाला है वो लिया मैंने, उसकी आवाज़ ही नहीं आती भाई सही से, कसम से बताओ। यहाँ पर शादी वादी है क्या? ये क्या सीन है भाई, चढ़ाएगा क्या ऊपर साढ़े? तो ले ले साढ़े ऊपर धुआं टाट में साढ़े। भाई यार गाली क्लोज निकल जाती है कभी कभी यार। सो इसके ना चूल मची हुई है तो इसको ना आगे निकलते पहले अपन आराम से चलते हैं, वरना पता कैसे चलेगा कौन है मेरे पीछे, कौन दहाड़ रहा है साढ़ा कुत्ते जैसा है। सही है ना? देखो निकल रहा, चल चल निकल रहा खींच रहा खींच रहा, देखो मुझे देख के खींच रहा। आ जा भाई जा जा, अरे तुम हेवी राइडर हो काई को टेंशन लेने का, डर क्यों रहे हो? तुम्हारा शेप चल रहा है ना पीछे अपना टीशर्ट, तो फिर थोड़ा गले का टेंशन करो यार। देख रहे हो जैसे जैसे आगे चलते जा रहे हैं वैसे वैसे अंधेरा होते जा रहा है भाई साहब। सो एनीवे देख रहे हो सनसेट हो चुका है पूरी तरह से, ठंड बच गई गाइस, ओ भाई भयानक सीन हो रखे गाइस, भयंकर ठंड हो रही है यार। और गाइस मैंने ग्लास ना भाई जो भाई ओ भाई तू मत दे साड़े, वो जो रहता ना हेलमेट वाइजर वो मैंने ना ये क्या बोलते हैं उसको क्या बोलते रे यार वाइजर को मैंने चेंज कर रखा है। सो उसी के कारण ना गाइस ये क्या बोलते हैं वाइजर मैंने चेंज कर रखा है, तो उसी के कारण मुझे रात में नज़र नहीं आता है इस वाइजर से। ये चमकीला वाइजर है गाइस, पता है शाइनिंग वाला वाइजर है। सो इससे ना कुछ भी भयानक सीन होता है तो मतलब नज़र आता ही नहीं, वो जो पहला पूरा जो सिंपल वाला रहता है ना सिंपल प्लेन वो ही अच्छा वाइजर है गाइस, और दूसरे तो बेकार से है गाइस रियल बता रहा हूँ। ठंड ऐसी है कि
आग सेकनी पड़ेगी गाइस, लगता है जो चूल्हे जल रहे ना गाइस इन्हीं पे आग सेक लो। यार मैं चाहता हूँ हर बंदा, हर गरीब बंदे की मदद कर सकूँ, हर कर पाऊँ, पर दिक्कत ये है कि मैं मदद कैसे करूँ, मेरे पास खुद के पास पैसा नहीं है, मैं दूसरे को कैसे दूंगा। आप लोग सपोर्ट करोगे ना तो एक ना एक दिन मैं हर गरीब बंदे को ना मदद करूँगा, जितना मुझसे हो तो पाएगा उतना। और लिटरली मैं बता रहा हूँ कि अभी भी करता ही हूँ मैं, ऐसा तो नहीं है कि मैं किसी की हेल्प नहीं करता हूँ। बहुत सारे लोंडे हैं, हम हेल्प आउट करते रहते हैं। आई थिंक गाइस मतलब आपको ना एक बार बनाया है भगवान ने मनुष्य, तो मनुष्य बन के रहो ना। मनुष्य मतलब अब यार मैं पूरी संस्कृति चलने लगी अपनी तो, और आई थिंक मैं बता दूँ आपको कि भगवान ने आपको एक बार ज़िंदगी दी है तो उसको ना सही से जियो यार। कोई घमंड कर रहा है तो कोई क्या कर रहा है, सो आई थिंक यह चीज़ें हैं बहुत ही ख़राब चीज़ें। वैसे घमंड है तो किस बात का यार, ज़्यादा पैसे हैं, ज़्यादा गाड़ी है, बस इस बात का घमंड है तुम्हें। ये जो लोगों ने कमा रखी है ना, आई थिंक मैं लिटरली बता रहा हूँ, ये कौड़ियों के भाव के नहीं। जैसे ट्रक मान लो, लोहे का डिब्बा है ना, है तो लोहे का डिब्बा, एक आदमी से बढ़कर तो नहीं है वो, है सही है ना, लिटरली बताऊँ मैं, एक आदमी से बढ़कर तो नहीं है ना ये। तो फिर बहुत सारे सब्सक्राइबर मिल गए थे आज तो, आज तो मीट बहुत खतरनाक हुआ था, भयंकर वाला, पर मैंने ब्लॉग शूट ही नहीं किया गाइस, इच्छा ही नहीं हो रही थी, मन सबसे मिल लिया प्यार से, बस यही बहुत था मेरे लिए। पर आई थिंक मेरी इच्छा ही नहीं थी मन से कि यार मैं ब्लॉग करूँ, तो सही है देखो पुत्रा खड़ा है पुत्रा। सो आई थिंक मेरे मतलब माइंड में ये था ही नहीं कि मैं ब्लॉग करूँ ये, और भाई मैं तो गलत घुस गया यार, गलत सीन में आ गए भाई साहब। अरे भाई मुझे किधर को जाना है यार, थोड़ा गलती घुस गए गाइस। हाँ अब सही जा गए, वो ना थोड़ा गाइस मैं बाइक के पीछे चला गया गलती से और गलती घुस गया था थोड़ा। सो एनीवे फाइनली चेंज द साउंड, अपन को जाना है गौशाला हो तो। वो बाइक वाला देख रहे थे जैसे टमकाटे निकाला, वो बाइक कभी चला ही नहीं जैसे चला रहा साड़ा। कैमरा तो गाइस मैं किसी भी हालत में बंद करता ही नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए कैमरा क्यों बंद करो गाइस, मेरा काम है, मेरा काम करूंगा। ये सब लोंडे अपने काम कर रहे हैं, मैंने किसी बोला इससे कुछ ना बोला ना, गाड़ा मैं मेरा काम कर रहा, तुमको बोल रहा तू क्यों बोलेगा भाई। मैं बाइक ना बहुत ही बेकार चलाने लगा शायद यार, उल्टी सीधी बाइक खींचते जाता हूँ मैं बाइक, पता है। सो आई थिंक अब से ना ये सिस्टम नहीं होगा। सो गाइस बहुत ही अंधेरा हो चुका है, तो लेट मी टेल यू कि आप मिलते हैं आपसे मॉर्निंग में मतलब घर पे जाके। यार अभी तो देखो कैमरा भी ऑफ होने वाला है, और आई थिंक देखते सीन आइएगा क्या है क्या है।